हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता दी। स्टूडेंट्स, बच्चों, स्टैंडर्ड 12th के अंदर अब हम स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है लिमिट, उसे पढ़ने वाले हैं। अब लिमिट जो है वो होगी लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन चैप्टर जो है बच्चों वो हम 11th स्टैंडर्ड में ऑब्जर्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब फंक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्स की वैल्यूज ऐसी होती हैं जो रखने की वजह से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जीरो हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर जीरो हो तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वी कैन नॉट ऑब्टेन दैट वैल्यूज। तो उन वैल्यूज को अप्रोक्सीमेटली ढूंढने के लिए ये लिमिट ऑफ द फंक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। लिमिट तो हम ढूंढेंगे, मगर उसके पहले कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है, जिसमें रियल लाइन है, कुछ इंटरवल से रिलेटेड है। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर ओपन इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, तो उसको भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके हम लिमिट ऑफ द फंक्शन चैप्टर के लिए आगे जा पाएंगे। तो देख लेते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों लिमिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें रियल लाइन एंड इट्स इंटरवल देखना है। रियल लाइन होता क्या है बच्चों? तो नंबर ऑफ जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन हम लाइन पे करते हैं उसे कहा जाता है रियल लाइन। यानी द रियल लाइन और रियल नंबर लाइन इज अ लाइन वेर इट्स पॉइंट्स आर द रियल नंबर्स। ठीक है, सभी रियल नंबर को इंक्लूड करके हम उसे प्लॉट करते हैं तो उसे रियल नंबर लाइन कहा जाता है। अब देखना है उसके बाद हमें इंटरवल से रिलेटेड हमने बात की थी कि अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज एन इंटरवल। वी शैल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। यानी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स रहते हैं वो ऑब्जर्व करना है तो उसे कहा जाता है इंटरवल। तो उसमें सबसे पहला इंटरवल है बच्चों वो है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें कहते हैं हम कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी including a and b is called closed interval and it is denoted by closed interval ab. likha jata hai use in set theory wise interval closed interval ab is equal to x where x is between a and b, x belongs to r. to usme ab ko include kare to use closed interval kaha jata hai, agar a and b ko include na kiya jaye to use open interval kaha jata hai. to dusra hai hamara open interval, if a belongs to r, b belongs to r and ab less than a is less than b, then the set of all real numbers between a and b not including a and b is called open interval and it is denoted by, isme hum rounded bracket use karte hain bachcho, wahan pe last mein humne jo bracket use kiya tha wo rectangular bracket tha, isme khali change itna hai, set theory mein hum likhte hain a is less than x less than b, upar ka a is less than equal to x less than equal to b. to ye hua open interval. अब एक साइड ओपन दूसरी साइड क्लोज या एक साइड क्लोज दूसरी साइड ओपन, वैसा इंटरवल है उसे भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें पहला है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। यानी इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ओनली ए बट नॉट बी। ठीक है, ओनली ए को इंक्लूड करते हैं तब इस सेट को कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे रहता है और राउंडेड ब्रैकेट राइट साइड पे रहेगा। याद रखना है बच्चों, जिस साइड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है वो नंबर हमें इंक्लूड करना है, इसलिए लेफ्ट साइड पे है रेक्टेंगुलर तो उसे क्लोज कहा जाता है, राइट साइड पे राउंडेड ब्रैकेट है तो उसे कहा जाता है ओपन। तो ये हुआ क्लोज ओपन। अब वैसे ही ओपन क्लोज इंटरवल भी होता है तो उसमें हम बी को इंक्लूड करेंगे, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, मीनिंग पूरा सेम टू सेम है, ए एंड बी के बीच में सभी नंबर्स जो है उसे ध्यान में रखना है, इंक्लूडेड बी नॉट इंक्लूडिंग एलिमेंट और नंबर A, then उसे कहा जाता है ओपन क्लोज इंटरवल एंड इट इज डेनोटेड बाय ओपन इंटरवल A, B क्लोज इंटरवल, ऐसे लिखा जाता है। जो वैल्यू हमारे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में होती है उसके साथ इज इक्वल टू की साइन रहती है बच्चों। तो ये कुछ हमारे रियल लाइन और इससे रिलेटेड इंटरवल्स की छोटी इंफॉर्मेशन हुई जो कि एक मार्क्स में कभी कभी पूछ भी सकते हैं, तो प्रिपेयर तो करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें एक मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड पार्ट है। मॉड्यूलस फंक्शन में होता क्या है, कोई भी वैल्यू रखते हैं अगर हम नंबर्स में तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन किया जाता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज
पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स लिया जाता है इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर अल्टीमेटली कहे तो प्रैक्टिकली कहना है तो एग्जांपल देके समझते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कहे मॉड्यूलस ऑफ 3 तो 3 रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ -4 है तो भी वो 4 रहेगा, 0 का मॉड्यूलस भी 0 रहेगा। यानी नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव मिलेगा, 0 के लिए समटाइम्स 0। अब आगे बढ़ते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो नेबरहुड की बात हम कर रहे थे। नेबरहुड यानी नजदीक में थोड़ा थोड़ा अगर हम जाते हैं तो क्या हो सकता है वो पार्ट, तो उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो नेबरहुड के लिए हम कह सकते हैं एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए वेर ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर ए। तो उसे कहा जाता है नेबरहुड, एक इंटरवल के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो पर्टिकुलरली अब देखते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, डेल्टा जो है वो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, छोटा सा नंबर हो सकता है, ठीक है। कि इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर देन द ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा टू ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, इट इज डेनोटेड बाय एन इन ब्रैकेट ए डेल्टा। तो डेल्टा कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा नेबरहुड से रिलेटेड एग्जांपल्स जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, खास ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मेट देख लेते हैं आगे। और हियर इट कैन बी अंडरस्टूड दैट एन ए डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। और अभी हम आगे ऑब्जर्व कर ही चुके हैं ये ओपन इंटरवल है, तो x जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड की कोई भी वैल्यू ऑप्टेन नहीं करेगा एक्सक्लूडिंग a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, x रहेगा हमेशा उसके बीच में, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर उसे मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना है तो x वेयर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, इस फॉर्मेट में भी उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टा नेबरहुड है कोई भी नंबर का, उसे हम तीन तरह से लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो है हमारा डेल्टा नेबरहुड का रेगुलर नोटेशन, नेबरहुड वाला पार्ट यानी एन ए डेल्टा लिखा जाता है ब्रैकेट में। दूसरा मॉड्यूलस फॉर्म है जिसमें हम लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। एंड तीसरा जो है वो है इंटरवल फॉर्म, जो कि हम लिखते हैं ओपन इंटरवल में ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। तो बच्चों अब चले देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल्स जो कि है इस डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए के, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे बोर्ड पे। फिर उसके बाद सभी सम्स कंप्लीट करने के बाद, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे हमारे तो बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अभी हमने ओवरऑल रियल लाइन, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन इंटरवल से रिलेटेड पूरा पार्ट ऑब्जर्व किया। एंड अभी अभी लास्ट में हमने देखा डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर स्मॉल ए, तो वो पार्ट जो है उसके तीन हिस्से हैं जो कि हम वैसे नोट कर चुके हैं। फर्स्ट इज नेबरहुड फॉर्म, लिखा जाता है इस तरह से नेबरहुड ऑफ डेल्टा, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए हम कह सकते हैं, एन ए डेल्टा लिखते हैं। देन मॉड्यूलस फॉर्म है नेचुरली, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। एंड दिस इज इंटरवल फॉर्म, ओपन इंटरवल फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब छोटे छोटे सम्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं सेक्शन ए बी के अंदर, हम देख सकते हैं कभी कभी। तो उसके लिए ये छोटे से चार एग्जाम्पल दिए जिसमें से दो मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो कंपेयर करना है, यहाँ पे डेल्टा यानी 0.4 होगा, ए यानी 4 होगा। सो टेक्निकली कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 4 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.4। क्वेश्चन जो है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला सम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा है कि हमें कन्वर्ट करना है इसे मॉड्यूलस फॉर्म में एंड इंटरवल फॉर्म में। सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, मॉड्यूलस फॉर्म में जहाँ ए एंड डेल्टा है वहाँ पर वैल्यू रख देनी है। सो सिंपली फॉर्म आपके सामने है मॉड्यूलस फॉर्म, यानी x माइनस ए इन द मॉड्यूलस लेस देन डेल्टा, दैट इज x माइनस 4 लेस देन डेल्टा यानी 0.4। तो ये सिंपली कन्वर्ट हो गया मॉड्यूलस फॉर्म। ऑलवेज बीच में याद रखना है बच्चों माइनस रहता है, ठीक है, ये मॉड्यूलस फॉर्म हो गया। अब सेकेंड जो बोला है वो है हमारा इंटरवल फॉर्म, तो इंटरवल फॉर्म में भी टेक्निकली वही काम करना है, फॉर्मूला बेस्ड वर्क है। सो a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, तो हम रख सकते हैं ए की जगह पे रखना है 4, दैट इज 4 माइनस 0.4 एंड 4 प्लस 0.4। तो टेक्निकली कह सकते हैं दिस इज 3.6 टू 4.4। तो ये हमारा हो गया इंटरवल फॉर्म, एंड आगे जो था वो था हमारा मॉड्यूलस फॉर्म, ठीक है। तो दोनों फॉर्म रेडी हो चुके हैं।
अब देख लेते हैं एक और छोटा सा सम जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 145 पे है। तो उसमें हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, फर्स्ट में फोर्थ नंबर, कन्वर्ट करने वाले हिस्से पूछे जाते हैं कोई भी एक पार्ट में से दूसरे में, यानी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है जो भी टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए, वेदर इट इज़ इंटरवल फॉर्म, कभी कभी इंटरवल फॉर्म देते हैं, कभी कभी वो मॉड्यूलस फॉर्म देते हैं, एंड यहाँ पे नेचुरली इन वर्ड्स लिख के दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर। सो फोर्थ क्वेश्चन में बताया 0.001 नेबरहुड ऑफ -1, ठीक है, नंबर ए हमने बोला हुआ है रियल नंबर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू -1। आप चाहो तो पहले डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा इज 0.001। सो नेचुरली हमारा पहले जो है वो होगा मॉड्यूलस फॉर्म। अब एक बार मेंशन करना जरूरी है, एग्जाम में भी जब भी पूछते हैं तब, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा, सो x की जगह पे कुछ रखना नहीं है, a यानी यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों -1 है, सो बाद में इसे हम प्लस कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0.001, दैट मीन्स x प्लस 1 इज लेस देन 0.001। तो ये फाइनल हमारा हो गया मॉड्यूलस फॉर्म। एंड अब जो है इंटरवल फॉर्म हमें कन्वर्ट करना है, सो इंटरवल फॉर्म, तो उसमें नेचुरली a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, सो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस 0.001 एंड -1 प्लस 0.001। तो फाइनली अगर हम कहना चाहें तो इंटरवल फॉर्म रेडी हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, नेचुरली दिस इज़ -1.001 और यहाँ पे होगा नेचुरली 0.999 और वो भी कैसा होने वाला है माइनस, ठीक है। तो इंटरवल हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये जो है बच्चों पहला सम है, सिंपल था, बेसिक था, जिसमें हमें उन्होंने दो फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला था, मॉड्यूलस फॉर्म इंटरवल फॉर्म। अब देख लेते हैं बच्चों हमारी एक्सरसाइज का दूसरा एग्जांपल। तो अब देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल जिसमें हमें उन्होंने मॉड्यूलस फॉर्म दिया है। जब भी मॉड्यूलस फॉर्म दिया जाए तो उसे आप कंपेयर कर सकते हो मॉड्यूलस फॉर्म के साथ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो इसके ऊपर से हमें कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 मिलेगी और डेल्टा की वैल्यू 0.01 मिलेगी। अब इसके बाद इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो सीधा हम कर सकते हैं। फॉर्म आपको याद रखने हैं बच्चों, बाकी कोई कष्ट है नहीं यहाँ पे। सो इंटरवल फॉर्म है हमारे पास, दैट इज़ a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वही काम करना है। a की वैल्यू है 2 माइनस 0.01 एंड 2 प्लस 0.01, टेक्निकली दिस इज 1.99 एंड 2.01। तो ये इंटरवल फॉर्म रेडी हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म में तो बच्चों कुछ करना होता नहीं है, सीधा खाली आपको n a एंड डेल्टा की जगह पे वैल्यू रख देनी है, दैट इज़ नेबरहुड फॉर्म ये है। तो n a यानी 2 है और जो हमारा डेल्टा है वो है 0.01। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा हो गया हमारा सम, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो देखना है हमें दूसरा एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 5 लेस देन 0.1। बच्चों जब भी बीच में माइनस दिया जाए, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो साइन माइनस होना ज़रूरी है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हमें प्लस है तो उसे स्प्लिट करना पड़ेगा, जब भी प्लस दिया जाए माइनस माइनस करके लिखेंगे तो ही हम एग्जैक्ट कंपैरिजन कर पाएंगे, यानी फिर आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है एक्स माइनस ए मॉड्यूलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे होगा -5 एंड डेल्टा की वैल्यू है 0.1। तो अब जो है सीधा हमारा इंटरवल फॉर्म है, उसमें वैल्यू रख देते हैं। सो इंटरवल फॉर्म जो है दैट इज़ a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो a की जगह पे -5 माइनस 0. एंड -5 प्लस 0.1, सो दिस इज़ -5.1 एंड प्लस जो है वो होगा, प्लस करेंगे तो मिलेगा -4.9, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल फॉर्म रेडी हो गया। अब उसी तरह से नेबरहुड फॉर्म में, तो जैसे हम कह ही चुके हैं इजी पार्ट है, सो ए एंड डेल्टा की जगह पे यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। सो ए की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे -5 और डेल्टा है 0.1। अगर खाली एक्स हो, जैसे कि तीसरा सम दिया है, तो अंदर कोई नंबर ही ना दिया जाए तो आप ए की जगह पे 0 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वो तीसरा सम है जिसके अंदर उन्होंने खाली दिया हुआ है बच्चों
थर्ड के अंदर खाली आइडिया दे देता हूँ, मॉड्यूलस एक्स इज लेस देन 1/3, तो इसे आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो बाय कंपेयरिंग एक्स माइनस 0 लेस देन 1/3, तो ए हमारा 0 होगा और डेल्टा है वो 1/3। तो तीसरा चौथा सम है वो इसका मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किया हमने एक दूसरे के फॉर्मेट के अंदर, अब इंटरवल फॉर्म में दिए जाए सम, जब डेटा दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना है हमें सम नंबर 3 के अंदर। तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मेट है बच्चों a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इंटरवल फॉर्म में अगर आपको ऐसे बताया जाए कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो उसे हम लिख सकते हैं, आगे वैसे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, थियरी सेशन में मैंने समझाया था, तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। यानी हमें सिंपली यहाँ पे कंपेयर करना है a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा के साथ, यानी a माइनस डेल्टा की वैल्यू 3.8 हुई, इसे हम नंबर 1 कहेंगे, a प्लस डेल्टा की वैल्यू 4.8 हुई, इसे नंबर 2 कहेंगे। तो ये फैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है, इंटरवल फॉर्म को लिखने का तरीका है ये, ठीक है। यानी एडिंग 1 एंड 2, सो सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एडिंग रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, तो जब हम ऐड करते हैं तो वो टेक्निकली हम लिख के यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ये सीधा, ठीक है। सो प्लस करेंगे तो डेल्टा कैंसिल होगा, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 8.6, तो a इज इक्वल टू होगा 8.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी a की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 4.3, राइट। तो a की वैल्यू मिल गई, वैसे ही डेल्टा के लिए हमें कोई भी एक में रख देना है, ठीक है। सो पुट a इज इक्वल टू 4.3 इन रिजल्ट नंबर 1, सो रख देते हैं तो मिलेगा हमें 4.3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8, सो 4.3 माइनस 3.8 इज इक्वल टू डेल्टा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.5, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हो, 4.3 माइनस 0.4 करोगे 0.5 करोगे तो 3.8 मिलेगा, 4.3 प्लस 0.5 करोगे तो 4.8 मिलेगा, तो टैली भी कर सकते हैं। अब हमें पूछा गया है मॉड्यूलस फॉर्म, तो इसके तो आंसर फटाफट सीधे हो जाते हैं। खास ध्यान रखना है जब भी इंटरवल फॉर्म दिया जाता है तब कैलकुलेशन थोड़ी संभाल के करनी है, बाकी कोई कष्ट है नहीं। मॉड्यूलस एक्स माइनस है लेस देन डेल्टा, सो देयरफॉर हमें यहाँ पे इसका फॉर्मेट मिल जाएगा एक्स माइनस 4.3 लेस देन 0.5, तो मॉड्यूलस फॉर्म हो गया। एंड एज वी नो नेबरहुड फॉर्म तो सबसे ईजी रहता है, ठीक है। सो इट इज a इज 4.3 एंड डेल्टा इज 0.5। तो बच्चों ये हमारा पहला सम हो गया, बस वैसे ही अब एक और छोटा सा सम देख लेते हैं जो कि है सम नंबर हमारा 3, ठीक है। सो काम में खास a एंड डेल्टा ढूंढना है, वही खास इंपॉर्टेंट है, बाकी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, आगे की कैलकुलेशन तो एकदम नॉर्मल है, वैल्यू ही रखनी होती है हमें सीधी, ठीक है, तो वो काम हम इजीली कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो 0.4 लेस देन एक्स लेस देन 1.4 माइनस 0.4 है रादर, तो सेम यही काम करना है जो हमने किया। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम ऑब्जर्व करेंगे इन इस सम के बाद। तो कंपेयर करते हैं, तो a माइनस डेल्टा इज, ध्यान रखना है, माइनस 0.4 इसे हम नंबर 1 कहेंगे, सीधा आप लिख सकते हो a प्लस डेल्टा इज 1.4 इसे नंबर 2 कहते हैं, तो एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2, डेल्टा सीधा कैंसिल होगा, आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2a इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.4 यानी 1, सो a इज इक्वल टू 1/2, वी कैन राइट इट एज 0.5, तो रख देते हैं, पुट इट इन एनी वन ऑफ देम, पुट इट इन रिजल्ट नंबर 1 और 2, तो 1 में रख देते हैं, सो 0.5 माइनस डेल्टा इज माइनस 0.4, सो माइनस 0.4 को लेफ्ट में ले जाते हैं, सो का खास ध्यान रखना है दैट विल बी प्लस 0.4 एंड डेल्टा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.9। अगेन बट चेक करना है तो चेक कर सकते हो बच्चों, 0.5 माइनस 0.9 यानी माइनस 0.4, प्लस करेंगे तो वापस मिलेगा 1.4। जब भी आपके a एंड डेल्टा आते हैं तो उसे हमारे रेगुलर फॉर्म में रख के चेक कर लेने का तो प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और मॉड्यूलस फॉर्म हमारा रेडी है, सो x माइनस 0.5 इज लेस देन 0.9, और नेचुरली नेबरहुड फॉर्म भी हमें पता ही है, सो n a इज 0.5 डेल्टा इज 0.9। तो वैसे ही बाकी के दो सम बच्चों आप अच्छे से कर पाओगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उसे ऑब्जर्व करते हैं हम।
तो बच्चों अब देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 का पांचवा एग्जांपल। अब नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ है, राइट साइड में इंटरवल फॉर्म भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है नेबरहुड फॉर्म, यानी उसे कन्वर्ट करेंगे हम इंटरवल फॉर्म में। तो ए माइनस डेल्टा यानी 3 - डेल्टा एंड लिखा जाता है इसे 3 + डेल्टा, जिसकी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी हमें दी हुई है 2.95 एंड k। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देयरफॉर 3 - डेल्टा इज इक्वल टू 2.95 एंड दूसरा पार्ट है उसे हम कह सकते हैं 3 + डेल्टा इज इक्वल टू k। अब दो इक्वेशन कह सकते हैं हम, इसे नंबर वन कह देते हैं बच्चों, थोड़ा इजीनेस रहेगा। और दूसरा पार्ट है उसे हम कहेंगे 3 + डेल्टा इज इक्वल टू के। यानी जब भी नेबरहुड फॉर्मेट दिया गया है, सामने आपको इंटरवल फॉर्म दिया है, तो इंटरवल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके कंपेयर कर रहे हैं सीधा। तो फ्रॉम वन कह सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन हमें ईजिली, फ्रॉम रिजल्ट नंबर हमें ईजिली मिल जाएगा हमारा डेल्टा, वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो 3 - डेल्टा इज 2.95। तो प्रोसेस एकदम सिंपल है। सो डेल्टा की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.05। अब ये डेल्टा की वैल्यू सीधा रख देना इक्वेशन नंबर टू के अंदर। सो पुट इट इन रिजल्ट नंबर टू और इक्वेशन नंबर टू। सो रख देते हैं, सो 3 + 0.05 इज इक्वल टू के, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू 3.05। ठीक है, तो डेल्टा हमें मिल चुका है। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो 0.05 रखेंगे तो 3 - 0.05 यानी 2.95 मिलेगा, एंड 3 + 0.05 यानी 3.05 यानी के की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप टैली भी कर सकते हो, छोटा सा प्यारा सा समय। अब हम बच्चों जो देखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, उसके बाद वाला, जो कि है सम नंबर 6। तो 6 नंबर का समय बच्चों गुजरात बोर्ड मार्च 2018 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो खास सिंपल सा ही पार्ट है मगर एग्जांपल खास हो जाता है। तो उन्होंने हमें जो दिया हुआ है कंपेयर करके दिया हुआ है मॉड्यूलस फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटरवल फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले तो हमें x - a < डेल्टा, पहले इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, यानी हमें a एंड डेल्टा मिल जाएगा कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म x - a < डेल्टा। तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 10 एंड डेल्टा इज इक्वल टू k1। अब जो फॉर्मेट हमारे पास है उन्होंने ये हमें दिया हुआ है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटरवल फॉर्मेट में। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 10 - k1 a - डेल्टा एंड 10 + k1 इज इक्वल टू, उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ था कि वो इक्वल है इसके साथ। ठीक है, एंड नाउ अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। यानी पहला पार्ट है, देयरफॉर 10 - k1 इज इक्वल टू k2 होगा फर्स्ट पार्ट, एंड दूसरे हिस्से के अंदर हम कंपेयर करेंगे 10 + k1 इज इक्वल टू 10.01। अब पहले में तो हमारे पास दोनों वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे हम जो है इसमें से k1 की वैल्यू ढूंढ लेंगे। k1 इज इक्वल टू 10.01 - 10, दैट इज 0.01। तो k1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सो देयरफॉर 10 - k1 इज इक्वल टू k2 में k1 की वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर 10 - 0.01 इज अवर k2। सो k2 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 9.99। तो k1 की वैल्यू 0.01 मिली, k2 की वैल्यू 0.99। तो इजीली आप ये काम कर सकते हो, k1 यानी 0.01 है, डेल्टा हुआ हमारा 10 - 0.01 यानी 9.99 एंड 10 + 0.01 यानी नेचुरली 10.01। तो बच्चों इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है हमने वो ऑब्जर्व कर लिए हैं। डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए यानि जो भी हमारे तीन फॉर्मेट में से जो भी कन्वर्जन का पार्ट है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा ही एग्जाम के अंदर। ठीक है, सेक्शन सी में एक सम ज़्यादातर आता है, ऑब्जेक्टिव में सेक्शन ए बी के अंदर भी एमसीक्यू में भी आता है, सेक्शन बी में भी कभी कभी आ जाता है। तो ये मोस्ट फेवरेट है एग्जाम के लिए। ठीक है, सेक्शन ई के अंदर बच्चों बड़े सम आते हैं इस चैप्टर के अंदर, सेक्शन डी एंड एफ में लिमिट में कोई भी सम पूछा जाता नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टाइटल ऑफ द चैप्टर लिमिट जो है वो अब हम डिफाइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें ये नेबरहुड की थोड़ी ज़रूरत थी जिसके लिए डिफाइन करना था हमें लिमिट के लिए, वो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लिमिट एंड उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।
प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।